बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। वर्ल्ड कप के शुरुआती दो सप्ताह तकरीबन बीत चुके हैं और इन दो सप्ताह के बाद लगभग पॉइंट्स टेबल कैसा है, कौन सा खिलाड़ी इस अभी तक वर्ल्ड कप के रन बनाने वाली लिस्ट में सबसे ऊपर है, इसके अलावा गेंदबाजी के मामले में सबसे ऊपर कौन है, कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा शतक बना चुका है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले पॉइंट्स टेबल से करते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं से आप जाएंगे सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल की अगर बात कर ली जाए। तो सबसे पहले आप पॉइंट्स टेबल पर नजर डालिए और यहां पर देखिए पॉइंट्स टेबल की बात करें तो भारतीय टीम अभी तक नंबर वन पर है। तीन मुकाबले भारत ने खेले हैं, तीन में जीत है और रन रेट के मामले में अगर आप देखें तो प्लस वन में भारतीय टीम यहां पर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो नंबर दो पर न्यूजीलैंड की टीम है जिनके तीन मुकाबलों में तीन जीत है और ये भी प्लस वन में है। इसके अलावा अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका की टीम दो मुकाबलों में दो जीत के साथ रन रेट के मामले में भारत और न्यूजीलैंड से भी ये टीम ऊपर है। इसके अलावा अगर आप देखिए नंबर चार पर पाकिस्तान, नंबर पांच पर इंग्लैंड की टीम, नंबर छह पर अफगानिस्तान, सात पर बांग्लादेश और फिर श्रीलंका, नीदरलैंड और सबसे आखिरी में ऑस्ट्रेलिया की टीम, यानी कि पॉइंट्स टेबल में अभी भी ऑस्ट्रेलिया का खाता खुलना बाकी है। वहीं अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में, तो वहां पर अगर आप देखें तो शुरुआत के तीन मुकाबलों के बाद मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के बल्लेबाज अभी नंबर वन पर चल रहे हैं। तीन मुकाबलों में उन्होंने 248 रन बनाए हैं और इस दौरान उन्होंने एक शानदार शतक भी जड़ा है। अगर बात करें नंबर दो पर तो न्यूजीलैंड के कॉनवे हैं जिन्होंने तीन मुकाबलों में 229 रन बनाए, उन्होंने भी एक शानदार शतक जड़ा हुआ। इसके अलावा अगर आप देखें भारत के कप्तान रोहित शर्मा इस लिस्ट में नंबर तीन पर है, एक मुकाबले में जीरो पर आउट हुए थे लेकिन दो मुकाबलों में उन्होंने वो काम कर दिया और दो मुकाबलों में ही रोहित शर्मा पहुंच गए हैं 217 रन, जिसमें एक शतक और एक शानदार अर्धशतक भी शामिल है जो पाकिस्तान के खिलाफ आया था। क्विंटन डिकॉक दो मुकाबले खेले हैं, दोनों में शतक है और उन्होंने 209 रन बनाए, सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड कप में शतक भी क्विंटन डिकॉक के नाम है। इसके अलावा नंबर छह पर डेविड मलान भी है जिनकी भी अच्छी पारी आई है। तो ये है रिश्त भारत के विराट कोहली की अगर बात कर ली जाए तो वो तीन मुकाबलों में 156 रन, उनके भी और विराट के भी कुछ शानदार पारियां आई है। तो ये है रन बनाने की लिस्ट। अब बात कर लेते हैं कि विकेट के मामले में सबसे ऊपर कौन है। विकेट के मामले में यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों का जलवा देखने को मिल रहा है। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो तीन मुकाबलों में 8 विकेट के साथ वो नंबर वन पर है। नंबर दो पर अगर बात कर ली जाए तो सेंटनर न्यूजीलैंड के तीन मुकाबलों में 8 विकेट के साथ वो नंबर दो पर है। नंबर तीन पर न्यूजीलैंड के हेनरी है जिन्होंने तीन मुकाबलों में 8 विकेट चटकाया और वहीं अगर बात कर ली जाए हसन अली की तो उन्होंने भी तीन मुकाबलों में 7 विकेट अपने नाम झटके हैं। इसके अलावा अगर आप देखें रविंद्र जडेजा नंबर 5 पर 3 में 5 विकेट और फिर कुलदीप यादव 3 में 5 के साथ नंबर 6 पर। तो यहां पर भारतीय गेंदबाजों का कमाल आपको दिख रहा है कि इस लिस्ट में टॉप 10 में भारत के तीन गेंदबाज हैं, नंबर 1 पर जसप्रीत बुमराह हैं। तो यहां पर ये है पूरे वर्ल्ड कप के विकेट और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और सबसे ज्यादा अगर बात कर जाए पॉइंट्स टेबल में ऊपर की भी बात कर ली जाए तो ये अपडेट है। बाकी आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि वर्ल्ड कप खत्म होने तक कौन सा खिलाड़ी सबसे आगे रहकर रन बनाने के मामले में, कमेंट करके जरूर दें। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।